तो गाइस अगर आप पटना में कभी भी आकर के अगर आप ड्राइव किए हैं किसी भी रूट पे, या फिर कोई ऐसी मेमोरी है जो आप पटना से आपकी जुड़ी हुई हो, तो यार कमेंट करके बताना, पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा कि कौन सी ऐसी मेमोरी है। आप पटना के हो ना हो से मतलब नहीं है, अगर आप पटना आए हैं तो बताइए ज़रा कि आप किस जगह रहते थे, कौन सी इलाका को आपने एक्सप्लोर किया है और आप पटना के बारे में क्या सोचते हैं। ये रूट के आपको एक बार पूरा घुमा के दिखा देते हैं। कभी एक टाइम था जब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा घूमा करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि बैडमिंटन के लिए हम यहाँ आते थे सेक्रेटेरिएट, तो यहाँ पर आकर के शाम में दोस्तों के साथ चाय पीना, और इलाका काफ़ी बढ़िया भी है। बहुत पल हमने यहाँ बिताया है इस जगह पर। ओला बाइक से आने का एक फ़ायदा ये है कि भीड़ भाड़ के रास्ते को आप स्केप करके एयरपोर्ट लाइन से निकल रहे हैं, अदरवाइज उस तरफ आपको बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। ये पूरा जो बाउंड्री देख रहे हैं सब ये जू के अंदर ही आता है, और यहाँ से हम लोग बहुत कम ट्रैफिक में और ये जो ग्रीनरी है उसको इन्जॉय करते करते निकल जाएंगे। आपका नाम क्या है? मृत्युंजय जी, हमारे जो आज के राइडर हैं वो हैं ओला बाइक की तरफ से। कब से चला रहे हैं आप बाइक? ओला बाइक एक साल से चला रहे हैं बाइक, एक साल से जो अपना सेवा है वो दे रहे हैं। हाँ भैया, कहाँ है अभी? बस आ जाइए, गोला रोड पे जो सिग्नल है ना, सिग्नल के पास ही खड़े हैं, ठीक है, जल्दी आ जाइए। सो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, माय नेम इज़ अजिताभ आनंद, यू वॉचिंग मी फ्रॉम पटना। और पटना में मेरी पहली जो ओला बाइक की राइड होने वाली है, हालांकि मैं सच बताऊं तो अभी तक मैंने कभी भी ओला बाइक की राइड नहीं ली है, तो आज पहली बार ऐसा होने वाला है। बाइक वाले भैया बिल्कुल सामने खड़े, हमें जाना महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, और अभी हम लोग हैं गोला रोड पर। मैं आपको यहाँ से वहाँ तक का रास्ता दिखा तो चलूँगा। लिटरली ये मेरा पटना में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मेरा पहला व्लॉग है, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ अपने शहर को घूमने के लिए। वैसे ज़्यादा घुमाऊँगा नहीं, बस रोड ट्रिप मारूँगा, ओला बाइक का जो रिव्यू वो दूँगा, कब तक मैं आता है, कितना भाड़ा लगता है, कितना किलोमीटर, लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है जब भी हम जा रहे हैं, और किराया जो है यानी जो कॉस्ट है वो 66 रुपीज़ शायद वो कॉल कर रहे हैं। हाँ भैया, आप कहाँ पहुँचे? बस 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 सिग्नल पे रहिए, हमारे यार आ गए आ गए। तो जहाँ बताए थे, जहाँ पे मेरा पिन लोकेशन था वहाँ पे वो पहुँच गए हैं, फिर हम लोग वहाँ चलेंगे। वैसे हाँ, गाड़ी नंबर देख लेते हैं कौन सा है। ओके, पल्सर है 4491, ठीक है। ये रहे हमारे ओला बाइक वाले भैया, 4662। बारिश हो रही है, कैसे निकलेंगे? निकल जाएंगे ना, आइए 4662। अच्छा, ये हेलमेट भी दे रहे हैं पहनने के लिए, हालांकि थोड़ा ये अनटाइडी है, अभी मैं हेलमेट नहीं पहन रहा। जैसे ही हम लोग निकले हैं बारिश होने लगी है, और 1:10 हो रहा है जब गोला रोड से हम लोग निकल रहे हैं ओला बाइक से। यूजली अगर आप ऑटो से जाएंगे, यानी जो बड़ी वाली ऑटो देख रहे हैं आप या फिर छोटी वाली ऑटो, तो ऑलमोस्ट आपको 45 मिनट्स के आसपास लगता है। फिर मैं ये भी बताऊँगा कि आप अगर ओला बाइक से जाते हैं तो आपको ओला रोड से स्टेशन पहुँचने तक कितना टाइम लगेगा। आजकल आपको पटना में ऐसे ब्रिज बहुत सारा देखेंगे, मतलब नीचे रोड फिर उसके ऊपर ब्रिज, और ये देखिए ऊपर ब्रिज, वो 6 लेन ब्रिज बन रहा है, बिहार का सबसे बड़ा और सबसे सिक्स लेन ओवर ब्रिज बन रहा है ये देखिए। नीचे रेलवे क्रॉसिंग भी, रेलवे लाइन है। ये जो आपको पुल पीछे वाला दिख रहा है ये आपको बिल्कुल एम्स की तरफ उतारता है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये एक्चुअली पटना शहर के अंदर सबसे बड़ी, सबसे लंबी ब्रिज है, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के आसपास, मतलब समझिए आप एक एंड पे चढ़ते हैं और ये ब्रिज आपको दूसरे एंड पे पहुंचा देती है बिना ट्रैफिक को झेले हुए। नीचे से जाएंगे तो काफ़ी ट्रैफिक होता था, मुझे याद है जब ये ब्रिज बन रहा था तो मतलब 4-5 साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था सबको, बट ये बन जाने के बाद उतना ही ज़्यादा मतलब ये कम्फर्ट प्रोवाइड कर रहा है सभी लोगों को। मतलब नॉर्मली यहाँ पर गाड़ियाँ 80-100 पे निकलती हैं इसके ऊपर से। ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं सरदार बिल्डिंग कहते हैं सरदार पटेल साहब के नाम के ऊपर, ऐसा नहीं है कि सरदार पटेल साहब सिर्फ गुजरात में फेमस है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये अपना पुलिस बिल्डिंग है जो नया ही बना है, इस तरह आप देखेंगे ये जो पूरा इलाका है, ये सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स यही मिलेंगे आपको, क्योंकि ये है जू, पटना का जू। और बता दें आपको कि पटना का जू जो है इंडिया में बहुत अच्छी रैंकिंग आती है, मतलब टॉप 5 में आती है अपने एरिया के वजह से, और साथ ही साथ अपने नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग पर डे के हिसाब से भी पटना जो जू है वो टॉप 5 में आती है, रैंकिंग होती है। अगर आप पटना आते हैं और आप टूरिस्ट प्लेस के लिए ढूंढ रहे हैं तो यू शुड प्लान पटना जू, क्योंकि यहाँ पे जितने वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं, जो एनिमल्स हैं, वो बहुत कम जू में आपको मिलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे जू मतलब घूम के आए हैं, देहरादून का जू भी देखे हैं, बट देहरादून का जू तो इसका ही कोना है, समझ लीजिए। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बस बता रहा हूँ कि ये जू के बारे में, कि पटना जू आप ज़रूर जाइएगा एक बार। तो ये है एक्चुअली अपना एयरपोर्ट का एंट्री पॉइंट, तो अगर आपने जाकर के फ्लाइट ब्लॉग नहीं देखे हैं
पटना से दिल्ली का या फिर और भी एक दो और फ्लाइट लॉस है वो जा करके आप चेक जरूर कर लीजिए, बताइएगा। अभी तो आपको मैं रोड ट्रिप दिखा रहा हूँ, तब तक आप एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दूसरे ब्लॉग्स भी देखिए। और पटना में ब्लॉग्स का सिलसिला शुरू हो गया है, तो जब तक पटना में हूँ मैं आप कोशिश करूँगा कि हर ट्रिप में आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन यहाँ का जो सिटी साइड है वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊँ। ये देखिए एयरपोर्ट का बाउंड्री और एक क्राफ्ट लगी भी हुई है, मैं वो कोशिश करता हूँ कुछ दिख जाए, बट आई एम श्योर आपको कुछ दिखा नहीं होगा। ऑब्वियसली बाउंड्री थोड़ी ऊंची है, अगर कोई फ़ायदा नहीं, पूरा ब्लॉग आप जाकर के देख लीजिएगा, प्रॉपर पूरा ब्लॉग बना के रखे हैं। ये जो हाँ ये बता रहे भैया, हम गाइड भी करते चल रहे हैं। ये जो अपना देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन पीछे अभी आपको करीब से दिखाएंगे, ये है इको पार्क। मतलब समझिए कि पटना में अगर आपको घूमना है, मॉर्निंग वॉक करना है या फिर पार्क आना है अपने फैमिली के साथ, ये सबसे बेहतरीन पार्क है, सबसे बड़ा पार्क है। इसमें एक मिक्स सीरीज का कोई एक शायद 21 है, एक 21 भी लगा हुआ है, तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार पार्क है। इसमें अंडरग्राउंड कनेक्टेड दो पार्क जो अंडरग्राउंड कनेक्टेड है, तो मतलब पटना में ये पहला कंस्ट्रक्शन है, भी आपको करीब से दिखाएंगे। ये देखिए अपना सेक्रेटेरिएट वाला इलाका हो गया, मतलब जब मैं आप स्कूलिंग करता था तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने आया करता था, सेक्रेटेरिएट में बैडमिंटन जो क्लब है उसका मतलब काफ़ी दो तीन चार साल खेले हैं इसमें सेक्रेटेरिएट में। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं बिल्कुल, अच्छा इको पार्क निकल गया क्या, घर पर निकल जाएगा, अच्छा आप वो हो गए हटल पर रुक जाएंगे क्या, फिर सीधे निकल जाएंगे ना, चलिए अब देखिए। जैसे मेरे से गड़बड़ी हो गया, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको स्टेशन जाना है, मैंने बोला हाँ स्टेशन जाना है, हालांकि मुझे आपको कुछ और भी दिखाना था जैसे इको पार्क वगैरह, चलिए वो मिस हो गया, कभी और दिखा देंगे कभी, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं, जो गलती है मेरी है, उन्होंने मुझसे पूछा था। अभी देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे पहले रेलवे लाइन था जो कि आप उसको हटा करके, मतलब रेलवे लाइन के ऊपर नीतीश कुमार ने ज़बरदस्त काम किया है, वो है अटल पथ का निर्माण किया, मतलब 6 लेन रोड वो भी शहर के बीचों बीच, बहुत ही शानदार है, कभी राइड करके जरूर दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए वो ये हो गया है गवर्नर हाउस ना, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा पीछे वाला गेट, ये गवर्नर हाउस का पीछे वाला गेट है, बिहार विधानमंडल है ये, बिहार विधानमंडल आपको दिख रहा होगा। अगर आप नॉन मेट्रो शहर की बात करें, मतलब दिल्ली बॉम्बे कोलकाता को छोड़ करके, तो ये देखिए ये वाला जो रास्ता बनाया है अटल पथ, यही 6 लेन है। और आपको बता दूं जहाँ भी हम चल रहे हैं, यहाँ पे पहले एक रेलवे लाइन था जो कि चौक हो चुका था, यानी बंद हो चुका था, उसके बाद अटल पथ, ये बहुत ही शानदार रोड है, मैं आपको कभी दिखाऊँगा जा करके, 6 लेन शहर के बीचों बीच। और ये देखिए ऊपर में पूरा ये सीधे स्टेशन भी निकल जाएगा, इधर जाएंगे हम लोग वापस से, इधर बोर्डिंग रोड है जो अपना इनकम टैक्स निकल जाएगा, ये अपना अभी रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गए हैं। अभी मैं बोल रहा था कि अगर आप नॉन मेट्रो शहर की कंपैरिजन करें, मतलब दिल्ली बॉम्बे को छोड़ करके, तो पटना आपको ऐसे शहरों में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर से उसमें, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप शहर को क्रॉस करना चाहते हैं तो भी आपको मतलब नीचे की ट्रैफिक को झेलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऊपर ड्राइव कर सकते हैं, कितना शानदार लग रहा है। पूरे शहर में आपको शायद ही कुछ रोड ऐसे हैं जहाँ पे आपको ओवरब्रिज ना दिखे पटना में, ये भी एक पार्क है छोटा सा, यहाँ पे भी हम लोग बचपन में जब इको पार्क नहीं बना था तब हम इसमें आते थे, शहीद वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क है, वीर कुंवर सिंह यहाँ के एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम पर बिहार में बहुत जगहों पर आपको पार्क और ऐसे कुछ मशहूर जगह मिल जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन का ही पूरा वो यार्ड एरिया शुरू हो गया है, ये देखिए आपको पार्क दिखाते हैं। अब हम लोग बेसिकली स्टेशन एरिया में आ चुके हैं, यहाँ पे ऑटो स्टैंड है पूरा, अगर हम ऑटो से आते तो यहाँ पे ही हमें ड्रॉप कर देते, वहाँ से लगभग ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर हमें चल करके अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचना पड़ता, बट ओला भाई का एक और फ़ायदा है कि आपको सीधे डोर स्टॉप पर वो पहुँचा देंगे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया हो रहा है। और आपको हकीकत बताते हैं लगभग 4-5 साल के बाद इस जगहों पर मतलब इस तरफ आए, क्योंकि जब से यार इंजीनियरिंग शुरू करी टाइम कम था। तो हम लोग आ चुके हैं एज़ यूजुअल स्टेशन रोड पे, तो इसके बारे में, इस रोड के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है, आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ बिल्कुल, लोग जैसे मर्जी वैसे चलते रहते हैं, इस तरफ आप देखिए आज संडे, हाँ इसलिए थोड़ा कम भीड़ है, अदरवाइज तो मतलब यहाँ पे आप चल नहीं पाते, इतना ट्रैफिक रहता है। इधर ये न्यू मार्केट कहते हैं, इस तरफ आप जाएंगे रेलवे स्टेशन की, बिल्कुल आप रेलवे स्टेशन कैंपस में ही है समझिए,
मतलब आपको ये है कि शहर में आपको ओवरब्रिज कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये रिसेंटली बना हुआ ओवरब्रिज है, रात में आप क्रॉस करेंगे तो बहुत शानदार लाइटिंग होती है इसकी, बहुत शानदार। ये अपना बहुत बहुत ज़्यादा फेमस, इनको कैसे भूल सकते हैं भाई, महावीर मंदिर है हमारा। मतलब ऐसा होता है कि पटना जंक्शन पर अगर आपकी गाड़ी 2 घंटे भी अगर लेट है तो लोग वहाँ पर आ करके महावीर मंदिर में आते हैं, वहाँ बैठते हैं। बहुत शानदार मंदिर है। यहाँ पर एक पत्थर भी है जो श्रीलंका से लाया हुआ है, जो पानी में नहीं डूबता है, हालांकि अभी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। रेलवे स्टेशन हो गया और मेरी जो आवाज़ है वो बैठ गई है अभी, बस बस थोड़ा अंदर इधर जाना है। तो ये रेलवे, ये ब्रिज हो गया। हाँ, कुछ रोड में से ये भी है जहाँ पे आपको ओवरब्रिज नहीं मिलेगा, बट थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी ओवरब्रिज मिल जाएगा। तो नीतीश कुमार ने एक काम तो ज़बरदस्त किया है कि पटना में हर जगह रोड का जो जितनी गाड़ी थी जैसे उसमें गाड़ी रोड का जो नेटवर्क है वो शानदार बनाया। ये देखिए, ये बुद्धा पार्क, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ कोचिंग करते हैं या फिर समझिए कि थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है अपने दोस्तों के साथ, आप समझ ही रहे हैं दोस्तों से मेरा क्या मतलब है, तो बुद्धा पार्क आते हैं। बहुत शांति मिलती है अंदर, भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है, इसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं क्या भाई जी। हालाँकि आपको सच बताएं तो मैं भी इसके अंदर बहुत बार आ चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ, वैसे वाले दोस्त जो आप समझ रहे हैं, दोस्तों के साथ आ चुका हूँ। और बहुत बढ़िया जगह है, मुझे इसी बिल्डिंग का काम है, ये महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हैं ये सामने। भैया से रिक्वेस्ट है, क्या क्या साइड में कहीं रोकते हैं, मुझे इसमें जाना है एक्चुअली। तो हमारा सफ़र जो था ओला बाइक के साथ वो होता है ख़त्म। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भैया कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा हमको आपके साथ। अच्छा, मुझे भी सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ, क्योंकि बहुत कम ऐसे मतलब जो राइडर होते हैं जो इतने मतलब रूड नहीं होते, इतने पोलाइटली वो सबको दिखाते हैं। इनफैक्ट मैं सच बताऊँ मेरे साथ साथ ये भी आपको घुमा रहे थे, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ वहाँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनके साथ राइड करके। मैं एक कार फोटो ले लेता हूँ उनके साथ सामने के लिए। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाके दूसरे वीडियो भी देखिए। अजिताभ आनंद साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।